मेरा नाम अमीर रजा है और आज का हमारा पहला लेक्चर जिसको हम पॉलीसिटी लेक्चर के नाम से शुरू कर रहे हैं कि किसी भी फॉरम के ऊपर आप अकाउंट बनाना होता है वो किस तरह बनाते हैं और उस अकाउंट के अखबार से आप अपनी सारे के सारे जो लवाजमात होते हैं वो कैसे करते हैं, अकाउंट बनाने का तरीका क्या होता है, अगर वो फॉर्म होता है उसके इंटरनेट से कैसे सिलेक्ट किया जाता है, उस हवाले से एक चीज़ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि आप में से अक्सर जो है ना वो बच्चों में स्टूडेंट्स और तमाम लोगों में जो नागरिक कानून है इस हवाले से किसी तौर पर उनके जहन में जो है ना ये तजर्बा होगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है वो फॉर्म सिलेक्ट किया होगा। तो वो फॉर्म जो होता है वो आपके पास सामने हार्ड कॉपी में मौजूद होता है, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर जो है वो हार्ड कॉपी का सिलसिला नहीं होगा, कंप्यूटर के ऊपर जो भी फॉर्म होगा वो सॉफ्ट कॉपी की सूरत में आपके पास मौजूद होगा। तो इसके एतबार से वहाँ पे एक लिंक दिया जाता है किसी भी वेबसाइट पर जिसको देख करके आप अपना जो है वो फॉर्म बनाते हैं और उस फॉर्म को फिलअप करके जो है वो सेंड करते हैं और रजिस्ट्रेशन हासिल करके अपना अकाउंट मुकम्मल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखेंगे अभी ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये याहू पे आप देखें तो ये साइन अप का जो है ना वो बटन है, ठीक है। इस साइन अप के बटन को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप गौर से देखेंगे कि अभी ये आपके सामने इसने मुझे पूरा एक फॉर्म दे दिया। इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे नेम की ऑप्शन आ रही है, जेंडर की ऑप्शन आ रही है, बर्थडे की ऑप्शन आ रही है, कंट्री जो है ना वो मुल्क पाकिस्तान जो भी आपका होगा, यहाँ पे याहू आईडी ईमेल वगैरह जो है ना वो दी हुई है, आप बनाना चाहते हैं वाई मेल बनाना चाहते हैं या रॉकेट मेल बनाना चाहते हैं, जो भी ऑप्शन जितने भी सर्वर दस्तियाब हैं वो उसमें देती हैं। नीचे पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड, ये वो खाने हैं कि जिनके बगैर जो है वो आपका अकाउंट कभी भी मुकम्मल नहीं होता, ये वो ज़रूरी खाने हैं जिनका होना ज़रूरी है। इसके अंदर क्या होता है कि आप अपना वो जो है ना खुफिया जो है ना वो कोड लिखते हैं या वो अल्फाज वो खुफिया किस्म के अल्फाज जिनके ज़रिए से आप अपने अकाउंट तक रसाई हासिल करते हैं, और ये नीचे जो है ना वो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं इनके साथ क्या आप करेंगे कि अल्टरनेट ईमेल एड्रेस के लिए आपका जिस पर आपके पासवर्ड को भेजा जा सके, ठीक है, सीक्रेट क्वेश्चन दिए हुए हैं और सीक्रेट क्वेश्चन के बाद से नीचे आए तो ये एक चीज़ दी गई है इसे कैप्चा कहते हैं, ये जो चीज़ दी गई है इसे कैप्चा कहते हैं। हम जीमेल पर भी इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के नाम से उन्होंने दिया हुआ है, अमित पे क्लिक करते हैं तो आगे क्या आता है इसको देखते हैं, यहाँ पर भी देखें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी है, री टाइप एंटर पासवर्ड है, और उसके बाद फाइनली आप एक्सेप्ट करते हैं इसको, एक्सेप्शन करने के बाद वो आपके अकाउंट कर जाता है। इसके अंदर भी ये कैप्चा मौजूद है। अब हम आते हैं फालियासिटी.com, हमने फालियासिटी की जो है ना वो फॉरम को ओपन किया, तो यहाँ पे आपको फालियासिटी.com का जो है ना अभी फॉरम आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा है। इसके अंदर रजिस्टर का बटन रखा गया है जो इस मकसद के लिए, क्योंकि जो पहले हमने दोनों सर्वर ओपन किए थे जैसे याहू का या गूगल अकाउंट थे तो वो आपके ईमेल जो है ना वो अकाउंट हैं, लेकिन ये फॉरम अकाउंट है। इसके अंदर थोड़ी सी जो है उसकी स्ट्रेटजी मुख्तलिफ होती है, वो कैसे हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, जी हमने रजिस्टर पर क्लिक किया तो आपने देखा कि रजिस्टर के ऊपर जैसे ये देखिएगा अभी आप कि रजिस्टर के ऊपर आपको ये पूरा डिटेल में नज़र आ रहा है जी, ये है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म कि भाई एश्योरिंग हमारा मिशन इंसानियत की खिदमत फरोग इल्म अमन रवादारी साद उम्मत ये WWFALIACITY वट्स एवर जो कुछ भी आगे आपको नज़र आ रहा है ये सारे का सारा एग्रीमेंट है पूरा कि आप ना तो फॉरम की मर्जी के खिलाफ कोई और जो है ना वो पोस्ट यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे ये देखिए जो ज़रूरी चीज़ है नॉट टू पोस्ट एनी अब्यूसिव ऑब्सेंस वल्गर एंड हेटफुल मैसेजेस सेक्सुअल इंटरेस्टेड मैसेजेस ओरिएंटेड मैसेजेस और एनी अदर मटीरियल दैट मे वायलेट एनी लॉज बी इट ऑफ योर कंट्री। तो वो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी उनको आप यहाँ पर शो नहीं कर सकते, जैसे कि आपने ये डिटेल से देखा। अब हम नीचे आ जाते हैं तो आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं आपको नज़र आ रहा है कि आई एग्री, ये आई एग्री आपको नज़र आ रहा है कि आई एग्री टू दीज टर्म्स, आई यूनिट एग्री टू दीज टर्म्स। अगर आप एग्री तो आपको आगे जो है अकाउंट बनाने के लिए जाने देगा, अगर आप एग्री नहीं करते तो आपको उससे आगे नहीं जाने देगा। इसी अखबार से हम इसको नवीज जो है वो सर्च करते हैं और इस सारे सिलसिले के अंदर जैसे हम इसको एग्री कर देते हैं तो एग्री करने के बाद क्या होता है इसको हम देखते हैं।
कि वो हमारे साथ वो क्या फील करता है। तो जब हमने इसको जो है ना वो एग्री किया, तो एग्री करने पर क्या हुआ कि आपके सामने अभी एक स्क्रीन ओपन होती है, हमने उसको जब जो है ना वो एग्री किया तो हमारे पास स्क्रीन आई है जी ये देखिएगा आप गौर से, इंसानियत की खिदमत, कोविन मोन, अमन, ये सारा कुछ आ रहा है। उसके नीचे पहले आ रहा है यूज़र नेम, वहाँ पर सिर्फ नेम आ रहा था, यहाँ पर यूज़र नेम आ रहा है, यानी कि वो ईमेल अकाउंट था, ये फॉरम अकाउंट है जो बगैर ईमेल के नहीं बन सकता, इसके लिए आपको पहले अपना ईमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास ईमेल अकाउंट है तो आप यहाँ पर जो है ना वो अपना ये सारा सिलसिला जो है इसको कर सकते हैं। अब आप क्या करते हैं जी, तो यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं, तो एनजी राइट हियर माय नेम एनजी राइटर, यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे आपने अपना जो है ना वो पासवर्ड दे दिया, तो मैंने अपना जाना हो यहाँ पे, मैंने पासवर्ड जो है वो कंफर्म कर दिया, ये मैंने पासवर्ड कंफर्म किया। पासवर्ड कंफर्मेशन के बाद मैंने क्या किया जी, से पासवर्ड अपना जाना वो सिलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद मैंने जो है ना कंफर्म पासवर्ड किया, और कंफर्म पासवर्ड कर, पासवर्ड हमेशा मल्टीपल जो है ना होना चाहिए, यहाँ से मैंने ब्रिटिश इंग्लिश ही रखा, और उसके बाद ब्रिटिश इंग्लिश के बाद मैंने यहाँ से इसको जो है वो सर्च करके प्लस फाइव किया, और फाइव करने के बाद ये पाकिस्तान का जो आपको नज़र आ रहा है मैंने इसको पाकिस्तान पे जाके क्लिक कर दिया। अब उसके बाद ये नीचे देखिए सेम कैप्चा आपको नज़र आ रहा है, याहू के अंदर ये कैप्चा बढ़ा है, यहाँ पे जो है ना वो सिर्फ केस सेंसिटिव है कि ये आपने कैप में लिखना है, सिंपल आपके जो है ना वो जो होंगे वो जो आपके डिजिट्स होंगे वो आप वैसे ही लिखेंगे, बाकी जितनी भी चीज़ें उनको आप डिटेल में इसके साथ लिखेंगे। ये मैंने अभी जो है ना वो लिखा, लिखने के बाद मैंने एक गलती की, मैंने इसको कैप्स में लिखना था V9SN, ये मैंने लिखा। अब फिर मैंने ये गलती की इसके अंदर, ये जितनी भी आप गलतियां करेंगे तो ये आपको नहीं बनने देगा तब तक आप कहते हो जब तक आप ये सही नहीं लिखेंगे। इसका बेसिक मकसद ये होता है कि कोई भी मशीन, कंप्यूटर मशीन जो है ना बनाए, ठीक है। ओके कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको सबमिट कर देता हूँ तो मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट कर देगा और मुझे मुबारकबाद दे देगा जी कि मैंने आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, जब मेरा अकाउंट बन जाएगा उसके बाद मैं अब इस फोरम के अंदर जो है ना वो लॉग इन होना चाहता हूँ, इसके लिए यहाँ पे लॉग इन का बटन है, कहीं से साइन इन का नज़र आ जाएगा, मतलब याहू पे हम जाते हैं बैठ जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो साइन इन का नज़र आ रहा है बटन, आप इसके ज़रिए से इसमें एंटर हो सकते हैं। यहाँ पर भी अगर मैं जीमेल पे वापस आता हूँ तो जीमेल पे आपको जो है ना ये यूज़र नेम भी नीचे पासवर्ड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, डिटेल में। मैं लॉगिन के बटन को प्रेस करता हूँ तो आगे देखिए ये मेरे साथ क्या जो है ना वो हासिल करता है। मैंने इसको प्रेस किया तो आपने देखा कि स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो नज़र आ गया। यहाँ पर मैं अपना उसी तरह जो है ना वो पासवर्ड मैं अपना नेम लिखता हूँ एम ए रजा, ठीक है। तो इसके साथ ही दोस्तों मैं अपना जो है ना वो ईमेल मैं इसमें जो है ना वो पासवर्ड भी अपना एंटर करता हूँ। तो जो ही मैंने इसका एंटर पासवर्ड लगाया उसके बाद मैंने लॉगिन का बटन, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही है कि लॉग इन ऑन ऑटोमेटिकली ईच यूजर, तो ये आपका पासवर्ड सेव कर लेगा इस कंप्यूटर के ऊपर, आप दोबारा जब आएंगे तो आपको पासवर्ड एंटर करने की जरूरत नहीं होगी। ये मैंने इसके ऊपर जो है ना वो क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखते हैं कि ये मतलब क्या करता है। मैंने इसको जो है ना वो क्लिक किया तो उसने कहा रिटर्न टू द इंडेक्स पेज यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग इन, ये देखिए यहाँ पे लॉग आउट का बटन आ रहा है, उसके साथ मेरा नेम आ रहा है, यहाँ से ये मेरा यूजर कंट्रोल पैनल है जिसके अंदर जाकर मैं अपनी सारी तब्दीलियाँ कर सकता हूँ, मतलब मैं अपनी तस्वीर जो है वो लगा सकता हूँ, ये मेरे नीचे जो है ना वो सिग्नेचर्स आए हुए हैं वो यहाँ पर मेरी डिटेल आ रही है कि मैंने जो है काम किया है, 411 मेरी टोटल कॉस्ट है जो मैंने अब तक जो है इसे अपलोड की है, ये मेरा प्रोफाइल का जो है ना वो उसमें पैनल है जिसके अंदर जाकर मैं सारी के सारी अपनी चीज़ें जो है ना वो सिग्नेचर को एडिट कर सकता हूँ, एड्रेसर को एडिट कर सकता हूँ और अकाउंट को एडिट कर सकता हूँ, उसमें पासवर्ड वगैरह जो है ना वो रिचेंज कर सकता हूँ, सेटिंग्स हैं। बाकी मैं वापस आ जाता हूँ जी, मैंने इसको रिफ्रेश किया पेज को, F5 के जरिए भी आप कर सकते हैं, इसके ऊपर बटन लग जाता है उसके जरिए भी आप कर सकते हैं, बोर्ड इंडेक्स को भी क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ पर आकर मैं किसी जो है ना वो फॉरम के अंदर जो है वो रिप्लाई करना चाहता हूँ, मतलब मुझे यहाँ पे जो है ना वो अच्छा लगता है फोरम, मसलन मुझे ये तफरीह और प्रोसेस ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं बोरिंग बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो नेट से कोई चीज़ जो है ना सर्च कर लेते हैं, तो अब इसके अंदर ये मुझे प्योर जो है वो कनेक्शन दिया हुआ है कि इसके अंदर मसलन ये मूवीज़ हैं, तो ये सारी की सारी जो हैं इनके साथ कोई और चीज़ शो नहीं हो रही होगी, और मैं घर बैठ कर अपने छोटे भाइयों के साथ बैठ कर इसको देख सकता हूँ, ये जैसे जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, डॉक्टर पास्टर
जो है ना वो लिटरेचर की मूवी है। इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे ये अच्छी लगती है, मैं इसको रिप्लाई करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी काविश है। तो ये पोस्ट रिप्लाई का बटन जो है वो जवाब देने के लिए और न्यू टॉपिक होता है नया जवाब, नया कोई अपनी तरफ से फॉरम ऐड करने के लिए। मैं इस पर पोस्ट रिप्लाई करता हूँ। पोस्ट रिप्लाई करने की सूरत में रिजल्ट क्या होता है कि ये नीचे एक विंडोज ओपन होती है, एक एडिटर ओपन होता है जिसके अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना मौजूद हैं। बस मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कि ये बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छी काविश है। तो मैं यही लिख देता हूँ। अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो यूनिकोड जो है ना वो उर्दू में लिख सकते हैं, यानी आपके पास यूनिकोड कीबोर्ड होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप किसी भी जो है ना उर्दू की वेबसाइट या उर्दू फॉरम से उसको कॉपी ला सकते हैं। मैंने लिखा मैं इसकी कुछ सेटिंग वगैरह करना चाहता हूँ, मैंने इसको जो है ना मशीन मैंने इसका काउंट कर जो है ना वो चूज कर दिया और मैं इसका कलर कर देता हूँ जिसको ये ब्लूज जो है ना, इसके साथ ही इसको जो है ना वो बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड के लिए आप डी प्रेस करेंगे तो स्टैंड पास बोल्ड। आगे अगर आप कोई कोट वगैरह बनाना चाहते हैं या फोन ये बाकी भी चीज़ें जो है ना आपके साथ आप यूट्यूब से कोई चीज़ लाते हैं तो ये क्लिक करेंगे उसके अंदर आप जो है ना वो यूट्यूब का मतलब आप इसके नीचे आके आप यूट्यूब से कोई चीज़ जो है शेयर करना चाहते हैं तो आप ये क्लिक करेंगे, इसके अंदर आप यूट्यूब का वो कोड दे देंगे तो वो चीज़ जो है जब आप कोड सप्लाई को सबमिट करेंगे तो आपको उसी फॉरम के ऊपर नज़र आ जाएगा। अब मैं इसको डिलीट करके मैं ये चाहता हूँ ये बहुत अच्छी कागज है, मुझे इतना अच्छा नज़र आ रहा है, इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने सबमिट किया और ये मुझसे पूछता है कि अटैच सिग्नेचर करनी है आपने। मैं कहता हूँ यहाँ ठीक है ये रहें तो ये आप एज इट इज रहने दें। मैंने इसको सबमिट किया और देखते हैं कि उसने वर्कअप क्या सबमिट किया है और चेक करते हैं। उसने कहा जी कि हैज बीन सक्सेसफुली कि पोस्टेड हो चुका है हमारा पैगाम, अब हम वापस जाके ये उसने हमारा दिखा दीजिए। मैंने बहुत अच्छी कागज लिखा था, बोल्ड भी किया था और यूज भी किया था इसको, ये आपको नज़र आ गया। तो ये था हमारा पहला ट्यूटोरियल जिसके अंदर था जो है ना वो कोई भी अपना अकाउंट बना सकते हैं और उसके अंदर जो है ना वो रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसी जो है वो ट्यूटोरियल के साथ अब हम आपसे जो है ना वो इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह इस तरह के ट्यूटोरियल मैं आपकी खिदमत में लाता रहूँगा। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे वो तलबा